नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेहा की पाकशाला में। और आज मैं बना रही हूँ मावा मोदक। बहुत ही इजीली बन जाते हैं और गणपति जी की तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है ये मोदक। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 800 ग्राम मावे को क्रम्बल करके लिया है। और ये जो मावा है ये घर का बना हुआ मावा है। आप चाहे तो मार्केट से भी मावा ले सकते हैं या फिर मिल्क पाउडर से बहुत ही आसानी से घर पे मावा आप बना करके तैयार कर सकते हैं। तो अभी ये जो हमारा मावा है इसको हमें भूनना है। तो मावे को हम कढ़ाई में डाल देंगे। गैस को अब हम ऑन करके मीडियम लो रखेंगे और लगातार चलाते हुए मावे को भून लेंगे। और ध्यान हमें ये रखना है कि जो मावा है उसका कलर चेंज न हो, और लगातार चलाते जरूर रहना है जिससे कि ये तले में लगकर जले नहीं। तो अभी देखिए जो मावा है वो भुन चुका है अच्छे से, बढ़िया से सॉफ्ट भी हो गया है और तले में बिल्कुल भी नहीं लगा है। तो अभी हम गैस को ऑफ कर देते हैं। तो अभी ये जो कढ़ाई है ना हमारी, ये बहुत ज्यादा गर्म है। तो मावे को हम इस तरीके से नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए मावे को ठंडा कर लेंगे। तो अभी जो मावा है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर, क्योंकि हमें प्रॉपर मावे का टेस्ट चाहिए इसलिए मैं इलायची पाउडर ज्यादा नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा ज्यादा भी इलायची पाउडर डाल सकते हैं। ये है मेरे पास पाउडर शुगर, और इसमें मैं 12 टेबलस्पून यानी कि 12 चम्मच पाउडर शुगर डाल रही हूँ, मतलब कि 3/4 कप के बराबर हम इसमें पाउडर शुगर डाल रहे हैं। अब पाउडर शुगर और इलायची पाउडर को हम मिक्स कर लेंगे मावे में अच्छे से। तो जो मावा मोदक है ना, वो बहुत ही कम चीजों के साथ इतने परफेक्ट और टेस्टी बनते हैं कि आप इनका कंपैरिजन किसी और तरह के मोदक या मिठाई से तो कर ही नहीं सकते हैं। और मुंह में जाते ही ये ऐसे घुल जाते हैं जैसे कि मक्खन। तो पाउडर शुगर और इलायची पाउडर दोनों चीजों को हमने मावे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी हम थोड़ा सा घी ले लेंगे, और ये है हमारे पास मोदक का सांचा। तो थोड़ा सा हम सांचे को घी से ग्रीस कर लेते हैं जिससे कि मोदक का जो मिक्सचर है वो इसमें चिपकेगा नहीं और आसानी से मोदक इसमें से निकल आएगा। तो ग्रीस करने के बाद सांचे को हम इस तरीके से बंद कर लेंगे। अब थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और लंबा लंबा करके सांचे में अच्छे से भर लेंगे जिससे कि मोदक का जो शेप है ना वो एकदम परफेक्ट आएगा। मिक्सर को सांचे में भरने के बाद अच्छे से लेवल कर लेंगे, और जितना भी एक्स्ट्रा मिक्सर है ना उसको हर तरफ से हटा लेना है। अब सांचे को एक बार अच्छे से प्रेस करेंगे और फिर इसको आराम से खोल लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया और एकदम परफेक्ट मोदक बना है। बहुत ही आराम और सावधानी से मोदक को हम सांचे में से निकाल लेंगे, क्योंकि अभी ये जो मोदक है ना ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। तो देखिए है ना एकदम परफेक्ट मोदक। इसको हम प्लेट में रख लेते हैं। सेम इसी तरह से बाकी के भी मोदक हम बना करके रेडी कर लेंगे। इनसे आसान और टेस्टी मोदक तो कोई हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मावे से बनी हुई स्वीट्स का जो टेस्ट है ना वो एकदम यूनिक होता है और जिसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मावे से बनी हुई मिठाइयाँ मुझे बेहद पसंद है। बाकी तो हर किसी का अपना अपना टेस्ट है, अपनी अपनी पसंद है। तो ये लीजिए हमारे सुपर टेस्टी गणपति जी के ऑल टाइम फेवरेट मावा मोदक रेडी हो गए हैं। तो आप भी ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।